आपके क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक छात्रावास बन रहा है उसका जो आप विरोध कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। देखिए, हमारा क्षेत्र 99% हिंदू आबादी क्षेत्र है और पूरा क्षेत्र हिंदू आबादी होने के पश्चात राजस्थान सरकार ने किस मकसद से, किस योजना से, ये ध्यान में नहीं है, लेकिन हिंदू आबादी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विशेष समुदाय का एक छात्रावास अलॉट किया है जिसमें 1000 विद्यार्थी रहने वाले हैं। ऐसे विद्यार्थी वहाँ उस स्थान पर रहने वाले, तो सारा क्षेत्र अशांत हो जाएगा। आज भी हम देखते हैं कि उस जगह पर पहले भी हज हाउस का निर्माण करने की बात थी, अभी भी हज स्थल वहाँ बनाया जाता है। 2 माह हज स्थल बनाने के बाद जब 2 महीने तक इनकी गतिविधियाँ चलती तो पूरा क्षेत्र अशांत रहता है। वहाँ आए दिन तोड़फोड़ मारपीट होती है। कुछ घटनाएँ लगातार इस क्षेत्र में अभी भी कुछ समय भी कुछ शांति दूत मिलकर करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले भी कृषि नगर में एक बाइक को लूट लिया, मारपीट हो गई है। तो जब 1000 विद्यार्थी क्षेत्र में आने वाला है तो पूरा क्षेत्र अशांत हो जाएगा, लोग पलायन की ओर जाने लग जाएंगे, क्योंकि जिस जिस जगह पर, जिस जिस स्थान पर समुदाय विशेष का के जो संख्या बढ़ने लगती है तो हिंदू वहाँ से पलायन की ओर हो जाता है। हम नहीं चाहते कि हमारा क्षेत्र से हिंदू पलायन हो, इसलिए इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। राजस्थान इसको तुरंत रूप से रद्द किया जाए। जैसे आप विरोध कर रहे हैं, अगर फिर भी सरकार रद्द नहीं करती इस आवंटन को, तो आप लोग आगे क्या कार्रवाई, मतलब क्या आगे आंदोलन करेंगे या क्या आगे रणनीति अपनाएंगे? अभी आंदोलन की प्रथम कड़ी आई है। प्रथम कड़ी में सांगानेर बंद का आह्वान किया है। सांगानेर बंद से संपूर्ण सांगानेर क्षेत्र के लोगों को जनजागरण हो गया है और सांगानेर के लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को इसका मालूम चल गया है इस आह्वान से। और सभी आह्वान के बाद में सबको लग गया है, और अगर सरकार कैंसिल नहीं करती है इतने बड़े आह्वान करने के बाद, हजारों लोग सड़कों पर उतरने के बाद भी, तो बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे फिर से, और योजना बनाकर एक बहुत बड़ा आंदोलन की योजना बनाएंगे और बहुत बड़ी संख्या में एक बड़ा आंदोलन इसके लिए खड़ा करेंगे। तो जैसे कल बंद का आह्वान है, तो आप लोग कल क्या क्या करने वाले हैं ऐसा? देखिए, सभी व्यापार मंडलों की हमने मीटिंग करी है और सभी व्यापार मंडल के लोगों ने स्वेच्छा से बंद करने के लिए कहा है कि हम अपनी इच्छा से सब लोग अपनी दुकानों को, प्रतिष्ठानों को बंद कर 11 बजे गौशाला पर, पिंजरापुल गौशाला पर आने वाले हैं। वहाँ से हम पैदल मार्च करते हुए और आरासन आवासन मंडल का घेराव करके वहाँ पर ज्ञापन देने वाले हैं। सभी लोग परिवार से आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि नौजवान आने वाला है, कोई पुरुष आने वाले हैं, महिलाएँ रहने वाली है, बच्चे रहने वाले हैं। लोग परिवार से निमंत्रण दे रहे हैं कि परिवार से लोग अपने उस कार्यक्रम में पहुँचे। हम सब का विरोध होना चाहिए, क्योंकि वहाँ ये सिर्फ विरोध एक क्षेत्र का नहीं है कि आसपास क्षेत्र का, संपूर्ण प्रतापनगर क्षेत्र का इसका विरोध है। क्योंकि सरकार ने क्या किया है, आप ये देखेंगे जिस जिस स्थान पर ये जगह अलॉट की है, एक स्थान पर 1000 विद्यार्थियों का आपने छात्रावास अलॉट कर दिया, उसी स्थान के दूसरे कोने पर आपने कोचिंग हब बना दिया, तो कम से 1.5 लाख विद्यार्थी इधर आने वाला है, 1000 विद्यार्थी उधर आने वाला है। आपने इस क्षेत्र को विद्यार्थियों का पॉइंट बना दिया है, और आप परिवार जो लोग यहाँ रहते हैं अपनी बहन बेटियों के साथ, क्या स्थिति होगी? जिस स्थान पर, जिस गली में, जिस मोहल्ले में अगर कोई हॉस्टल खुलता है, आप देखेंगे कि वो पूरी गली के लोग परेशान हो जाते हैं उस हॉस्टल की गतिविधियों से, क्योंकि नौजवान वहाँ पर उदमबाजी करता है, डीजे बजाता है, दारू पीता है, सारा बहुत सारे वहाँ न्यूसेंस पैदा होने लग जाते हैं। तो अगर 1000 विद्यार्थियों का हॉस्टल बनेगा तो कितना बड़ा न्यूसेंस पैदा होगा इस क्षेत्र में। आज हमारे साथ हैं पार्षद वार्ड नंबर 99 पार्षद प्रत्याशी बरुण प्रकाश जी। बरुण प्रकाश जी, आप हमें बताएं, जैसे कल सांगानेर बंद का आह्वान की बात चल रही है, उसमें आप भी समर्थन दे रहे हैं, क्या रीज़न है जिसके लिए आप लोग बंद कर रहे हैं सांगानेर? देखो, सांगानेर बंद होने का हमारा पूर्ण समर्थन है, मेरा ही नहीं, आम जनता का, विकास समितियों का, और ये अपने व्यापार मंडलों का, इन सब का समर्थन है। और ये बंद होना चाहिए, और बंद होने की वजह है जो अपने 35 सेक्टर में सांगानेर जो जोन 35 है उसमें अल्पसंख्यक जो छात्रावास बन रहा है उसके विरोध में है। क्योंकि देखो, इससे जो यहाँ पे जनता रह रही है वो मेरे ख्याल से 99% या 100% हिंदू जनता है, और उनके बीच में अगर आप अल्पसंख्यक आयोग के हिसाब से ये छात्रावास बना रहे हो तो वो गलत है। तो उसके विरोध में हम क्या ये आंदोलन कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, तो देखो सरकार इतनी बर्बरता पे उतर चुकी है कि कल शाम को हमारे 2-3 कार्यकर्ता, और मैं खुद मौजूद था वहाँ पे, तो ये बंद के आह्वान के संबंध में लोगों को सूचना पहुँचाने के संबंध में हम रात को कुछ बैनर होल्डिंग लगा रहे थे, तो सब पुलिस से सरकार के इशारे पर इतना बर्बरता कर रही है कि रात को हमारी गाड़ी और हमारे कार्यकर्ताओं जो लोग इसमें लगे हुए हैं उन लोगों को उन्होंने थाने में बंद कर दिया, हमारी गाड़ी जब्त कर ली, और जितने भी बैनर होल्डिंग लगे हुए थे उन सबको वापस उतार लिया। तो ये क्या है, ये जो भी हो रहा है प्रशासन कर रहा है वो सरकार के इशारे पे कर रहा है, और सरकार की जो मंशा है वो मुझे लगता है कि एक समुदाय विशेष के प्रति ज़्यादा है। नहीं तो अल्पसंख्यक में तो सारे ही कई समुदाय आते हैं, तो फिर उसको सरकार और उस चीज़ को कैसे, मतलब इसको थोड़ा
जी पुनीत जी, मैं मानता हूँ आपकी बात, अल्पसंख्यक में 6-7 समुदाय आते हैं, पर देखो ये अल्पसंख्यक का जो ज़मीन दे रहे हैं वो वफद बोर्ड को दे रहे हैं, तो वफद बोर्ड मेरे हिसाब से एक समुदाय विशेष के लिए होता है। तो इसमें अगर जैसे मान लो अगर आप अल्पसंख्यक में जेएनयू की बात करते हो, तो आज हमारे साथ में जो विकास समितियों में जेएनयू के जो अध्यक्ष हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर आप दे रहे हो तो आप मुझे बताओ कि जो दूसरी कौम है, मैं समुदाय विशेष या कौम विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, पर कई कौम जैसे मान लो मांसाहारी है और कई कौम शाकाहारी है, तो बताओ उनमें एकता कैसे होगी, सामंजस्य कैसे बनेगा। तो ये सब फालतू की बातें, एक सरकार का प्रोपेगंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्पसंख्यक के नाम से वो एक समुदाय विशेष को ज़मीन दे रहे हैं, जिससे आने वाले समय में सांगानेर विधानसभा के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में असामाजिकता फैल जाएगी, और इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, जनता शांतिपूर्ण तरीके से रहे। और अगर उनको सरकार को ऐसा कुछ देना है तो समुदाय विशेष के क्षेत्र में दो ना, हम कोई विरोध थोड़ी कर रहे हैं इस चीज़ का। जैसे आप करबला में दो, रामगंज में दो, या खोना गोरिया में दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दो, उससे क्या प्रॉब्लम है। पर यहाँ की जो शांति व्यवस्था वो बनी रहे, उसके लिए हम ये विरोध करें ताकि ऐसा अव्यवस्थित ना हो यहाँ पे कोई। नहीं, अगर अल्पसंख्यक छात्रावास यहाँ बन भी जाता है तो क्या क्या समस्याएं आएगी आने वाले समय में? ऐसा देखो, आपको खुद को पता है पुनीत जी, आने वाले समय अपन जो 5-10 साल से देख रहे हैं कि ये जो लव जिहाद का जो मामला चल रहा है, उससे पता है हमारी बहन बेटियों को ये लोग बरगलाते हैं, अपनी सच्ची आईडी छुपाते हैं, झूठी आईडी से लोगों को बरगला के हमारी बहन बेटियों के साथ कैसे कैसे क्यों करते करते हैं। अभी आपने वो देखा होगा 48 टुकड़े वाले, अभी आपने उदयपुर वाली घटना देखी होगी। देखो दिनों दिन ये सब बढ़ रहे हैं, और ये बढ़ने का रीज़न यही है कि इन लोगों में क्या अब क्रूरता वाली प्रवृत्ति आ गई। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि सांगानेर में भी ऐसा कुछ हो। तो ये हमारे पार्षद जी का कहना था कि इस कारण हम विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद।